लोकसभा चुनाव के वक्त सुर्खियों में रहने वाले रविंद्र सिंह भाटी की चुनाव संपन्न होते ही मुश्किलें बढ़ने लगी हैं। दरअसल लोकसभा चुनाव के दरमियान रविंद्र सिंह भाटी का आरोप था कि उनके समर्थकों के साथ मारपीट की गई और पुलिस ने भी उनका समय पर इलाज करवाने के लिए उन्हें लेकर नहीं गए। इसी को लेकर रविंद्र सिंह भाटी अपने समर्थकों को लेकर मैदान में उतरे और 27 अप्रैल के दिन जो SP ऑफिस है उसके बाहर धरना प्रदर्शन किया। अब इसी धरना प्रदर्शन की वजह से रविंद्र सिंह भाटी की मुश्किलें बढ़ चुकी हैं। 144 की धारा वहां पर लगी हुई थी। ऐसे में रविंद्र सिंह भाटी ने उसके बाद भी SP ऑफिस के बाहर अपने समर्थकों के खिलाफ जो बदसलूकी की गई, जो मारपीट की गई, उसको लेकर SP ऑफिस के बाहर धरना दिया था। लेकिन रविंद्र सिंह भाटी के खिलाफ आज पचपदरा थाने में FIR दर्ज कर ली गई। अब FIR क्यों दर्ज की गई है, कौन सी धाराओं में दर्ज की गई है, कितने लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है, इसकी पूरी कहानी हम आपको बता दें कि रविंद्र सिंह भाटी ने जो SP ऑफिस के बाहर धरना दिया था उसी के को लेकर आज पचपदरा थाने में उनके खिलाफ FIR दर्ज की गई है। FIR रविंद्र सिंह भाटी के ऊपर जो दर्ज की गई है उसमें चार धाराओं में IPC की चार धाराओं के अंदर रविंद्र सिंह भाटी पर यह मुकदमा दर्ज किया गया है, जिसमें 147, 186, 188 और 247 ये चार धाराओं के अंदर रविंद्र सिंह भाटी पर मुकदमा दर्ज किया गया है और 32 लोगों का नामजद जो है 32 लोगों पर नामजद ये मुकदमा दर्ज किया गया है, जिसमें रविंद्र सिंह भाटी सहित 32 लोगों पर नामजद ये रिपोर्ट दर्ज की गई है। लगभग 800-900 लोगों के खिलाफ ये मामला दर्ज किया गया है। अब इसको लेकर जो है रविंद्र सिंह भाटी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि रविंद्र सिंह भाटी लोकसभा चुनाव से पहले काफी सुर्खियों में रहे थे, लेकिन चुनाव के दिन भी उनके टेंशन नजर आ रही थी, क्योंकि उनके समर्थकों के साथ मारपीट और बदसलूकी की तस्वीरें और खबर लगातार सामने आ रही थी, जिनको लेकर ही उन्होंने SP ऑफिस के बाहर धरना दिया था। लेकिन उस वक्त 144 धारा लगी हुई थी। ऐसे में रविंद्र सिंह भाटी ने उसके बाद भी जो है वो वहां पर धरना प्रदर्शन किया अपने समर्थकों के लिए, लेकिन अब उसी मैटर की वजह से रविंद्र सिंह भाटी सहित 32 लोगों के खिलाफ नामजद मामला दर्ज कर लिया गया है। इसमें 800-900 लोगों के खिलाफ ये मुकदमा दर्ज है। अब ये मुकदमे के बाद क्या कुछ कार्रवाई होती है, क्या एक्शन रविंद्र सिंह भाटी के खिलाफ लिया जाता है। लेकिन बड़ी खबर है राजस्थान से कि सबसे चर्चित सीट थी जैसलमेर बाड़मेर और सबसे चर्चित चेहरा था रविंद्र सिंह भाटी, उसी रविंद्र सिंह भाटी के खिलाफ FIR पचपदरा थाने के अंदर दर्ज कर ली गई है। अब इसको लेकर रविंद्र सिंह भाटी के समर्थकों में क्या कुछ चल रहा है, रविंद्र सिंह भाटी क्या कुछ इस मामले को लेकर सोच रहे हैं और FIR के बाद क्या कुछ मुश्किलें रविंद्र सिंह भाटी की बढ़ सकती हैं, ये बड़ा मामला है, इसका इंतजार रहेगा। लेकिन बड़ी अपडेट है कि रविंद्र सिंह भाटी के सहित 32 लोगों के खिलाफ नामजद FIR जैसलमेर बाड़मेर के पचपदरा थाने के अंदर दर्ज की गई है, जिसमें 800-900 लोग और शामिल है। महेंद्र बासोटा, लोकमत हिंदी, जयपुर।